सावन महीने की शिवरात्रि को लेकर शिव भक्तों में खासा उत्साह दिख रहा है। पूरे देश में बने शिवालयों को सजाया गया है, कहीं रंगीन लाइटें तो कहीं फूलों से भोले के दरबार को सजाया गया है। आज सुबह से ही शिव मंदिरों में जल अभिषेक हो रहा है। वहीं सोमवार के दिन भोले के भक्त कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर नाचते गाते आते दिखे। हर भक्त भोले के रंग में रंगा था। पुलिस की तरफ से व्यवस्था को बनाकर रखने के लिए जगह जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ रूट तक प्लान किया गया ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। और बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी ललित इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। ललित, आज महाशिवरात्रि भी है और आज अंतिम दिन भी है कांवड़ यात्रा का, जरा बताएं कि किस तरह से आप तस्वीरें देख पा रहे हैं और कैसा समा बंधा हुआ है श्रद्धालुओं में। ललित, भक्तों द्वारा मंदिरों में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक किया जा रहा है और जो शिव के भक्त हैं वह सावन माह में हरिद्वार से और गोमुख से कांवड़ लेकर और अपने गांव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और जल अभिषेक करते हैं, अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। हम इस वक्त है बहादुरगढ़ के शिव मंदिर में, यहाँ पर आपको दर्शन दिखा रहे हैं किस प्रकार से सुबह से ही भक्तों का यहाँ पर तांता लगा हुआ है, यहाँ पर लाइन लगी हुई है और भक्त सुबह से ही जल अभिषेक करने के लिए शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और शिवलिंग पर जल अभिषेक कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ शिवलिंग पर भक्तों द्वारा जल अभिषेक किया जा रहा है और सुबह से ही वहाँ पर तांता लगा हुआ, भक्त यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं और अपने परिवार की मृत्यु की कामना कर रहे हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से जो राजराजेश्वरी मंदिर है यहाँ पर जो शिवलिंग है इसमें भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और यहाँ पर हर रोज जो सावन माह में भक्त आते हैं हजारों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। और आज का महाशिवरात्रि का विशेष महत्व होते जो भी भक्त इस दिन जो हरिद्वार या अन्य जगह से जो कांवड़ लेकर आते हैं उसका जलाभिषेक भी भक्तों अपने गांव के मंदिर में अपने आसपास के मंदिर में जो शिवलिंग है उस पर जल अभिषेक किया जा रहा है। आप तस्वीरों से देख सकते हैं किस प्रकार से महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में भक्तों में काफी उत्साह है और भगवान शिव शंकर पर जल अभिषेक किया जा रहा है। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर हर रोज जो है सावन माह में हर रोज यहाँ पर सैकड़ों भक्त रहते हैं और यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो लाइने लगी हुई है ये और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्त है यहाँ पर आना स्टार्ट हो गए। हम अपने दर्शकों को दर्शन भी दिखा रहे हैं, अभी सुबह का समय, सुबह से यहाँ पर जो भक्त पहुंच रहे हैं मंदिरों में पहुंच रहे हैं और यहाँ पर जल अभिषेक कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर भक्तों के लिए खीर का प्रसाद भी अलग बनाया गया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है। आज जो भी भगवान शिव शंकर से भक्त करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर जो है भगवान के जल अभिषेक के बाद भक्तों को जो भी मंदिर में मत्थे टेकते हैं उन्हें प्रसाद भी वितरित किया जा रहा है और इस सावन माह में जो भी भक्त मंदिर में पहुंच कर उनकी आराधना करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और जो है सावन माह में जो सोमवार का विशेष महत्व होते हैं, सोमवार के दिन भक्त जो भी मंदिर में पहुंचकर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बिल्कुल ललित, जैसे आपने हमें यहाँ पर तस्वीरें भी दिखाई कि काफी यहाँ लोगों की चहल पहल दिखाई दे रही है, श्रद्धालु बड़ी संख्या में मंदिर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। बने रहें, आगे भी हम आपसे इस पर जानकारी लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मेरठ में आप कहाँ की तस्वीरें हमें इस वक्त दिखाने वाले हैं और अगर बात यहाँ पर महाशिवरात्रि को लेकर करें तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि श्रद्धालुओं में जो है किस तरह की होड़ लगी हुई है इस वक्त, क्योंकि शिवालयों में मंदिरों में काफी भीड़ दिखाई दे रही है। देखिए कायनात, मैं आपको बता दूं कि मार्च से अक्टूबर दो साल के कोरोना काल के बाद में जो कांवड़ यात्रा जो शुरू हुई है उस चीज को लेकर सबसे पहले तो उत्साह वैसे ही दिख रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर शिवालयों की बात करें तो अब सभी जो कांवड़िया वो धीरे धीरे अपने शिवालयों पर पहुंच गए हैं और भारी संख्या में अब की बात शिवालयों पर तो उसके भी चार चौबंद इंतजाम पुलिस ने किए गए थे। सारी सबसे बड़ी बात यही है कि अगर शिव भक्तों की बात करें तो मेरठ में तकरीबन अभी भी मैं आपको बता दूं कि मैं इस वक्त मौजूद हूं मेरठ के गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि है गंगोल तीर्थ स्थल, मैं वहां पर मौजूद हूं। वहां पर भारी संख्या में जो कांवड़िया हैं वो धीरे धीरे
यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस प्रकार से शाम को जल अभिषेक होकर यहाँ पर दूर दराज से जो कांवड़िया है आते हैं, यानी कि आपको बता दूं कि दूसरे जिलों से भी यहाँ कांवड़िया जल अभिषेक करने आते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि मेरठ का अवरनाथ मंदिर है जो 1857 की क्रांति का इतिहास से जुड़ा हुआ है, वहीं से ही क्रांति शुरू हुई थी। अगर वहां की बात करें तो वहां पर प्रशासन ने जो इंतजाम किए हैं वो काफी अच्छे इंतजाम हैं। 200 पुलिसकर्मी वहां पर लगाए गए हैं और अगर कैमरे की बात करें तो ड्रोन कैमरे से वहां पर लगातार 3 से 4 दिन से निगरानी की जा रही है, क्योंकि ये कैंट में पड़ता है। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस फोर्स के साथ साथ में आर्मी के जवान भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और कैमरे की बात करें तो तकरीबन 56 कैमरों से यहाँ पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से जल अभिषेक होगा तो यहाँ पर जो दूसरे जिलों से जो श्रद्धालु होंगे वहां पर तकरीबन काफी संख्या में भीड़ होती है। और ये जो प्राचीन शिव मंदिर है, और सबसे बड़ी बात है कि 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। जी ललित, आपसे भी जानना चाहेंगे कि जरा बताएं कि सुरक्षा के मद्देनजर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और कहाँ कहाँ से इस वक्त श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं जल अभिषेक के लिए। जी कायनात, बिल्कुल प्रशासन द्वारा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिरों के पास जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। और श्रद्धालुओं की बात की जाए तो आसपास के जितने भी सेक्टर हैं वहां से जो श्रद्धालु हैं यहाँ पर मत्स्य टेकने आ रहे हैं, जल अभिषेक करने आ रहे हैं। और बात की जाए सावन माह में यहाँ या नहीं हर एक जगह देश के जितने भी शिवलिंग हैं शिवालय है उनमें जाकर है और जल अभिषेक करते हैं। हमें अपने दर्शकों को दर्शक भी लगातार खबर फात अपने दर्शकों को दर्शक दिखा रहा है किस प्रकार से जो भक्त है सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहे हैं। भक्तों का तांता लगा हुआ है और यहाँ जो भक्त है यहाँ मत्स्य टेक रहे हैं, तीर्थ करके ऊपर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसी प्रकार से वह उनके घर पर धन धान्य की सुख समृद्धि की कामनाएं जो है बनाए रखते हैं। इसी प्रकार उनके ऊपर जो भगवान का विश्वास है इसी प्रकार रहे। यह देख सकते हैं कि जो मंदिरों में सुबह से ही जो भीड़ लगे हुई होने के कारण अब साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि सावन माह में जो भी भक्त हैं यहाँ पर पहुंचते हैं और यहाँ पर जल अभिषेक करते हैं, भगवान उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और जो सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है हर एक मंदिर में पुलिस प्रशासन द्वारा की बाहर जो है पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हम लगातार अपने दर्शकों तक जो मंदिर पर जो दर्शक है वह दिखा रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। लगातार देर से समय सुबह यहाँ पर सुबह 5 बजे से जो भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे थे और लगातार यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है। और जो मंदिर के पुजारी हैं उनके द्वारा भी आह्वान किया जा रहा है कि वह तैयारियां बनाए रखें, क्योंकि महाशिवरात्रि पर सभी भक्त चाहते हैं कि हम जल अर्पण करें और भगवान से मन्नतें मांगे। और उसी को लेकर लगी यह है कि जो नीज राजेश्वरी मंदिर है इसी यहाँ यहाँ नहीं जो बहादुर कितने भी आसपास के गाँव है और जो सेक्टर है और जो कॉलोनियां वहां पर बने मंदिरों में भी इसी प्रकार का दर्शन बने हुआ है। और तो जो पुजारी हैं पुजारी भी आपको जो शिवलिंग पर जलाभिषेक की जो प्रक्रिया है वह लोगों को बता रहे हैं। लोग यहाँ पर फल और दूध और शहद से जो है जलाभिषेक कर रहे हैं और यहाँ पर और जिस प्रकार से जो सुबह से छाता लगा हुआ इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि भक्तों में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। और महत्व के साथ ही यहाँ जो भक्तों द्वारा पूजा अर्चना की जा रही है और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना जा रही है। जी बिल्कुल ललित, जैसे हम देख पा रहे हैं मंदिरों में किस तरह से भीड़ इस वक्त उमड़ रही है, लाइन में लगकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं शिवलिंग पर जल अभिषेक के लिए। और लगातार जिस तरह से श्रद्धालु बढ़ते देखे जा सकते हैं उससे समझा जा सकता है कि आज के दिन का क्या महत्व है। बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहादुरगढ़ से हमारे सहयोगी ललित हमारे साथ जुड़े थे, ये तस्वीरें उन्होंने लाइव हमें मंदिर से दिखाई जहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हुए हैं और मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं श्रद्धालुओं की, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं पूजा अर्चना के लिए, जल अभिषेक कर रहे हैं, रुद्र अभिषेक हो रहा है, दूध से जल से और शहद से अभिषेक किया जा रहा है शिवलिंग का। धर्मेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र जरा ये बताएं कि जैसे आप बता रहे थे कि प्राचीन मंदिर है, इसकी मान्यता भी लोगों के बीच काफी होगी और कांवड़िए भी दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो अभी तक जो है कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच चुके हैं, कांवड़िए पहुंच चुके हैं और कहाँ कहाँ से पहुंचे हैं जल अभिषेक के लिए? से आज शाम का जल है तकरीबन शाम 4 बजे के या 5 बजे के बाद में जल स्टार्ट होगा। वही फिलहाल धीरे धीरे जो कांवड़िया है अपने शिवालय मतलब यहाँ पर पहुंचने स्टार्ट हो गए। मेरठ में दो प्राचीन शिव मंदिर है, एक अवरनाथ मंदिर जो 1857 क्रांति से जुड़ा था,
उसका काफी महत्व है, पूरा देश जानता है, पूरे देश में जिस प्रकार से आजादी का बिल्कुल बजा था वो यही से बजा था। दूसरा है गुरु विश्वामित्र शिव मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर गुरु विश्वामित्र ने जो श्री राम के जो गुरु थे विश्वामित्र, उन्होंने तपस्या की थी यहाँ पर और कंगोल तीर्थ स्थल पर, यहाँ पर तीर्थ स्थल की जो यहाँ पर उत्पत्ति की थी। उसके बाद में इसकी मान्यता यह है कि सबसे बड़ी बात है कि जिस समय लंकापति रावण की ससुराल भी मेरठ थी और तब भी वो मेरठ आता था और यहाँ पर स्नान करने आता था। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से यहाँ के जो बात करें, जो जितने भी जो यहाँ के देव थे लगातार यहाँ पर स्नान करने के लिए आए थे, राम लक्ष्मण यहाँ पर काफी समय रहे थे क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने तपस्या की थी तो उनकी तपस्या में मैन योगदान था वो राम लक्ष्मण था। यहाँ पर सबसे बड़ा असुरों का राज था और इसका महत्व यहाँ पर इसलिए है, सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पर दूर दराज से जो श्रद्धालु आते हैं, यानी आपको बात करूँ मेरठ से अलग की बात करूँ, मेरठ बागपत मुजफ्फरनगर सहारनपुर हर जगह से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं क्योंकि श्रद्धालु सिर्फ वही जाना चाहते हैं जिसकी सबसे ज्यादा मान्यताएं हैं। मेरठ ओगंडा दूसरा गुरु विश्वामित्र की तपोभूमि है यहाँ पर गंगोत्री। चलिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। और हरिद्वार से हमारे सहयोगी इंतजार रज़ा भी जुड़े हुए हैं। इंतजार आपसे ही जानना चाहेंगे, आज हरिद्वार में जो है आस्था का सैलाब उमड़ता दिखाई दे रहा होगा आज महाशिवरात्रि का दिन। देखिए तैनात मैं आपको बता दूं, हरिद्वार में आज महाशिवरात्रि का आयोजन पूरे भारत वर्ष के अंदर हो रहा है, तो आज हरिद्वार में जो भी कावड़ यात्रा है उनका समापन भी हो गया और तमाम जो शिव भक्त है वो लगातार भारी संख्या में हरिद्वार रुख कर रहे हैं। और कल शाम तक का जो आंकड़ा था 3.5 करोड़ कावड़ यात्री हरिद्वार से जल लेने के लिए आकर और जा चुके थे और वही जो आंकड़ा है लगातार जो संख्या बढ़ती जा रही है, तो वही जो तमाम जो तैयारियां प्रशासन की वो भी दुरुस्त है और जो शिव भक्त हैं सुबह से ही जो अपने शिवालय है शिव मंदिर है उनमें जलाभिषेक करने के लिए सुबह से लंबी लंबी कतारों में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। वही जो हरिद्वार है हरिद्वार में तमाम शिवालय तमाम शिव मंदिर है, लेकिन दक्ष प्रजापति मंदिर कनखल है इसकी विशेष मान्यता यहाँ पर मानी जाती है क्योंकि शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जो दक्ष प्रजापति मंदिर जो कनखल में है वही भगवान भोले की ससुराल का जो मंदिर है उसको बताया गया है। और वही शास्त्र के अनुसार यह भी कहा जाता है कि जो भगवान भोले जो शिव जी है उनका जो शास्त्र के अनुसार बताया गया है कि उन्होंने वचन दिया था यहाँ पर इस मंदिर में कि वो श्रावण मास के इस मंदिर में 1 महीना यहीं पर वास करेंगे, तो इसी के चलते इस मंदिर की जो विशेषता है जो महत्व है वो लगातार बढ़ जाता है। तो तमाम जो लोग हैं वो दक्ष मंदिर की ओर रुख कर रहे हैं और यही जो शिव भक्त हैं लगातार लंबे कतारों में सुबह से जलाभिषेक करने के लिए यहाँ पर जमे हुए जी। तो आज कितनी बड़ी मात्रा में संख्या में जो है शिव भक्त हरिद्वार का रुख करने वाले हैं या वहां से पलायन प्रस्थान करेंगे अपने अपने गंतव्य की ओर बढ़ेंगे, कितनी जो एक आंकड़ा जारी किया गया था कि 4 करोड़ के करीब जो है इस बार शिव भक्त जो है हरिद्वार पहुंचेंगे, क्या ये लगता है कि इस आंकड़े को पार कर जाएंगे आज भक्त? जी बिल्कुल, क्योंकि कल शाम 6 बजे तक का जो आंकड़ा था प्रशासन के अनुसार 3.5 करोड़ जो शिव भक्त है वो हरिद्वार आ चुके थे और उसके बाद लगातार ये संख्या रात भर चलती रही। वही जो डाक कावड़ का सिलसिला है चाहे वो बाइकर्स के माध्यम से हो या अन्य फोर व्हीलर्स के माध्यम से वो लगातार बढ़ रहा था, तो जो आंकड़ा जो प्रशासन के अनुसार जो जताया गया था कि 4 करोड़ से ज्यादा जो शिव भक्त है कावड़ यात्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो आशंका जताई गई रात भर जो आंकड़ा बढ़ा जो कावड़ यात्री जो संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है तो उसका साफ कहा जा सकता है कि उसके तरीके से जो कावड़ यात्री लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं और आंकड़ा 4 करोड़ से पार हो गया होगा जी। इंतजार हम चाहेंगे जरा कुछ तस्वीरें अगर आप हमें दिखा सके यहाँ हमारे दर्शकों को, तो कैमरे को जरा घुमाकर दिखाएं कि नजारा किस तरह का आज दिखाई दे रहा है शिवालयों में, कैसी शिव भक्तों की धूम देखी जा रही है। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आज कितनी बड़ी संख्या में लगता है कि हरिद्वार पहुंचने वाले हैं शिव भक्त? देखिए शिव भक्त हरिद्वार लगातार पहुंच रहे हैं और सुबह से जो शिव मंदिर है तमाम शिव मंदिरों में श्रद्धालु लंबी लंबी लाइनों में सुबह से यहाँ पर लगे हैं। ये जो मंदिर है ये ग्रामीण क्षेत्र का छोटा सा मंदिर है जहाँ पर यहाँ पे जो शिव भक्त है लगातार एक के बाद एक मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए सुबह से ही लंबी लाइन जुटी हुई है। तो वही जो प्रशासन जो मंदिर समितियां हैं जो मंदिर प्रशासन की जो तैयारियां वो लगातार दुरुस्त की गई है और सभी जो शिव भक्त है वो लगातार मंदिरों का रुख कर रहे हैं और कांवड़ यात्रा हमें लगातार बढ़ोतरी यहाँ पर देखी जा रही है और जितने तमाम रोड है चाहे प्रशासन के अनुसार किन रास्तों को कावड़ यात्रियों को निर्धारित किया गया था उनसे अलग भी तमाम जो रास्ते हैं तमाम जो रोड है सभी पर जो कावड़ यात्री लगातार देखे जा रहे हैं और पूरे हरिद्वार की तमाम जो रास्ते हैं सभी पर लगता है कि कावड़ यात्रियों का कब्जा हो गया है और पूरा जो माहौल है हरिद्वार का भगवामय हो गया है और बम बोलो की जयकार से पूरा हरिद्वार गूंज उठा है जी।
चलिए बहुत शुक्रिया इंतजार रजा इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज हर जगह पर कांवड़िए जो है वो देखे जा सकते हैं, गंगा जल ला रहे हैं हरिद्वार से, या फिर हरिद्वार में ही जो है गंगा जल लेकर के रुद्र अभिषेक कर रहे हैं। और रेवाड़ी से हमारे सहयोगी अजय अत्री भी जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अजय, रेवाड़ी से जरा बताएं किस तरह की आप देख पा रहे हैं तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, कांवड़िए जो है कहां कहां से इस वक्त पहुंच रहे हैं जल अभिषेक के लिए, और शिव भक्तों में कैसा उत्साह आप देख पा रहे हैं? किस तरह देश भर के साथ रेवाड़ी के मंदिरों में शिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, और इस समय मौजूद है रेवाड़ी के ऐतिहासिक घंटेश्वर महादेव मंदिर पर। यहाँ बता दें कि आज सुबह सवेरे से ही शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है, और साथ ही साथ आपको बताएं कि यहाँ जलाभिषेक जो है बिलपत्र दूध और जो है पंचामृत और गंगा जल के साथ यहाँ शिव को स्नान और जलाभिषेक यहाँ पर कराया जा रहा है। और जहां तक कांवड़ियों की बात करें तो सुबह सवेरे से ही कांवड़ियों के मंदिरों में पहुंच करके जलाभिषेक करने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं शिव भक्त भी परिवार के साथ यहां पर पहुंच रहे हैं, और छोटे बड़े बच्चे बुजुर्ग हर कोई शिव मंदिरों में यहां पर पहुंच रहा है। और यहां आपको बता दें कि छोटे बच्चे खासतौर पर बताएं कि यहाँ 12 साल का एक बच्चा भी कांवड़ लेकर के पहुंचा है, जिसका यहाँ जोर शोर से स्वागत हो गया है। और वहीं आपको बताएं कि मोदी के जो है चित्रों से युक्त भी यहां पर कावड़ यहां पर लाई गई है। और अभी घंटेश्वर महादेव के मंदिर का दृश्य कैमरामैन से कहूंगा कि अंदर चल करके पूरा दृश्य दिखाएं कि किस तरीके से यहां भक्त जो है जल अभिषेक के लिए पहुंच रहे हैं। अभी ये देखिए तस्वीरें घंटेश्वर महादेव मंदिर की है, जहाँ की लगातार आपको एक एक दृश्य यहाँ से दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से शिवालय के अंदर यहाँ शिव भक्त पहुंच रहे हैं, और फल फूल बिलपत्र गंगा जल आदि के साथ यहाँ शिव को जलाभिषेक कराने के साथ यहाँ पर जो है शिव भक्त लगातार जो है अपनी बारी के इंतजार भी यहाँ पर कर रहे हैं। और कतारों के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर को भी यहाँ पर दुल्हन की तरह सजाया गया है, और सभी यहाँ बारी बारी से किस तरीके से यहाँ शिव भक्त पहुंच रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो हर एक जगह पर शिव मंदिरों में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है, भारी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, और आज शिव को खुश करने के लिए और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए उनका रुद्र अभिषेक जल अभिषेक कर रहा है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही, देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।